चिंता मत करिए, मैं भी आप जैसा ही था। मुझे आज भी याद है मेरा पहला दिन जब मैं इस कॉलेज में आया था। किया होता तो ये सब नहीं करना पड़ता। यहाँ भी ताला मार दो। चल कोई नहीं, चलो यहाँ पे चलो। अरे बेटा बेटा बेटा, यहाँ से कुछ से कुछ नहीं होगा। ऊपर के फ्लोर पे जाओ, वहाँ से छलांग लगाओ, फिर ये तुम्हारे हाथ और पेट टूटेंगे। कौन हुआ? अरे नहीं, ये तो तुम यहाँ से कूदने वाले थे इसलिए पूछा मैंने। मुझे लगा तुम उदास हो। पर उदास क्यों हो तुम? बस अंकल, अभी 10 मिनट पहले की बात है। अरे यार, सारी अरे बेटा, ये सब तो होता रहता है। चल अब तू मुझे हॉस्टल दिखा, मेरे बेटे का एडमिशन कराना है मुझे। चलो दिखाता हूँ। देखो अंकल, एक ग्राउंड है, एक हॉस्टल है और ये कैंटीन है। चलो अंकल, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, मैं भी चलता हूँ। ठीक से खाना खाते रहना। तू कौन है भाई? जी मैं दर्शन साहब, मैं अपने रूम में। अच्छा, MBBS में? नहीं नहीं, आप MBBS? हाँ मैं तो MBBS में हूँ। अच्छा, एक काम कर, ये तेरा बेड है वहाँ पे सामने। हाँ ये मेरा है और ये अभी नहीं है, ये तेरा है। ठीक है, ये हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा लिंग विनिश्चय। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस सेक्स डिटरमिनेशन। तो आयुर्वेद में जो है इसके कई सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहला रेफरेंस दिया था इसका, कि जो शुक्र और आर्तव बाहुल्य आते हैं उसके बेसिस पे मेल प्रोजेनी होगी या फीमेल प्रोजेनी। अगर शुक्र बाहुल्य आते हैं तो उसका मतलब है कि मेल प्रोजेनी होने वाली है, और Thank you.
कैसा गया दिन? हाँ कुछ ठीक ही था, ऐसा कुछ खास तो गया नहीं है, वही जनरलाइज। अरे तुझे पता है आज हमने ना एनाटॉमी में हार्ट का डिसेक्शन किया, वो भी पहली बार, और फिर उसमें हिस्टोलॉजी, मजा ही आ गया यार। वैसे तूने क्या पढ़ा आज? कुछ खास नहीं, वो स्टार्टिंग में था श्लोक वोक पढ़े, फिर संस्कृत का लेक्चर था, फिर एनाटॉमी में वो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, और कुछ नहीं बस इतना ही है। अच्छा वो मतलब क्रोमोसोम वाला ही ना? नहीं आयुर्वेद में थोड़ा आयुर्वेद वाला पढ़ा है, उसमें थोड़ा अलग होता है। क्या होता है वैसे आयुर्वेद? ध्यान देना तुझे क्या करना है, कुछ ऐसा नहीं है यार। नहीं देना चल अपन खाना खाने चलते हैं, भूख लगी है मुझे। चल 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 ठीक है, मुंह धो के आता हूँ मैं। चल 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 कितनी देर लगा रहा है यार। चल अभी हमने आपके मिलिट के पेपर चेक किए, उसमें आपने मॉडर्न को अच्छे लिखा है, लेकिन आयुर्वेद का आपका वीक लग रहा है। हाँ सर, आयुर्वेद पर नहीं लिखना चाह रहे, मतलब लॉजिक नहीं लिखा मुझे कुछ आयुर्वेद पर, मतलब क्या लिख रहे हैं वो, गर्भा ग्रंथि में कुछ लिखा है, मतलब नहीं रिलेवेंट ही नहीं लग रहा मुझे, मर्द शरीर में कुछ लिख रहा है, कुछ नहीं याद ही नहीं रहता। अरे दर्शी तुझे इस प्रोफेशनल कोर्स को आने के लिए पहले 12th की एग्जाम पास करनी पड़ी, उसी तरीके से तुझे सक्सेसफुल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनना है तो सबसे पहले तुझे बेसिक कंसेप्ट पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तूने जो गर्भशरीर के बारे में कहा, तो गर्भशरीर में शुद्ध शुक्र का स्वरूप, गर्भिणी परिचर्या, गर्भ वृद्धिकर भाव, या फिर सुश्रुत संरक्षण अध्याय एक में दी हुई बीज दृष्टि, उनकी ट्रीटमेंट, उनका कार्यकारण भाव, ये तू अगर अभी से अच्छे से पढ़ेगा और समझेगा तो तेरे प्रैक्टिस में तू गर्भिणी दोष, गर्भ दोष, या फिर इनफर्टिलिटी, या फिर मेंस्ट्रुअल डिसीजेस, ऐसे सारे डिसीज तू ट्रीट कर पाएगा। दूसरी बात, तूने मर्मचारी के बारे में बोला, तो आगे जाके तू सर्जरी, विद्ध कर्म, अग्निकर्म ऐसे ट्रीटमेंट्स पढ़ेगा, तो उस समय तुझे मर्म का महत्व समझ में आएगा। मर्म के जो पॉइंट्स बताए हैं शरीर में, वहाँ पे प्राण का अधिष्ठान है, इसलिए उनको आघात से बचाना चाहिए, और आजकल मर्म चिकित्सा भी बहुत प्रचलित हो रही है, तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट तुझे अभी से अगर तू पढ़ेगा तो आगे जाके तेरे प्रैक्टिस में बहुत काम में आने वाली है, समझ गया? तुझे अगर किसी लड़ाई में बिना शस्त्र के होकर आ जाए तो तू हरेगा ही जीतेगा। उसी तरीके से तुझे अगर सक्सेसफुल आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो उसमें द्रव्यमान विज्ञान, रसशास्त्र, अपने आयुर्वेदिक संहिताओं का अध्ययन, उन्होंने दिए हुए सिद्धांत, इन सालों की पढ़ाई तेरे लिए शस्त्र के जैसे काम करेगी। सृष्टि में ऐसी एक भी वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं है, इवन मॉडर्न मेडिसिन भी बहुत सारे प्लांट बेस्ड मेडिसिन यूज कर रहा है, और ये सारी इलाज लाने के बारे में तुमने पूछा, तो जैसे तू दिन लाइफ की मूवी सॉन्ग सुनता है या मूवी के डायलॉग सेट करता है, उसी तरीके से दिन लाइफ के अगर तू प्लांट वहाँ पे देख के अगर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेगा, उसको बार बार रिपीट अगर करेगा, तो अपने आप को तेरे याद में रहने वाले हैं, और आगे जाके जैसे तू प्रैक्टिस में उसको लाएगा तो वो और अच्छे से याद में रहते हैं, और उसका अच्छे से एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, पेशेंट भी कैसे कितने यूज करता है कैसे नहीं करता है, ठीक है? ये तो अपना स्ट्रेंथ है, तो ये मेडिसिन यूज करके अपन बहुत सारे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट को ठीक कर पाएंगे, समझे? वो सर आजकल के बड़े बड़े लोगों के कैंसर, डायबिटीज, उसकी ट्रीटमेंट क्या आयुर्वेद से हो सकती है? देखो दर्शी, मॉडर्न में जो डिसीज के नाम बड़े बड़े बताए हैं उससे डरना नहीं चाहिए, मॉडर्न में डिसीज के नाम बहुत बड़े बड़े रहे, लेकिन उसको अगर अपन आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर उसका हेतु, पूर्व रूप, उसका क्षतिक्रिया काल, संप्राप्ति, इसके हिसाब से अगर अपन आयुर्वेदिक विधान अगर उसका करें तो उसकी चिकित्सा करनी बहुत ईजी हो सकती है, या फिर ऐसे डिसीजेस अपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकते हैं। अपने शास्त्र में बताया गया है कि रोग को नाम देना जरूरी नहीं है, उसकी संप्राप्ति समझ के संप्राप्ति बंद करना जरूरी है, शास्त्र को तो आप ऐसा कम मत समझ रहे, जहाँ पे मॉडर्न साइंस रुक जाता है ना वहीं से आयुर्वेद स्टार्ट होता है, समझ रहे दर्शन? हाँ सर। और कोई पूछ सकते? नहीं सर।
सर एक क्वेश्चन रह गया, हाँ मतलब प्राइवेट बैंक इससे पैसे कमा सकते हैं क्या? देखो मॉडर्न सेंस में हर एक डिजीज के लिए कंप्लीट क्योर है ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तेरे पास आने वाले पेशेंट को तू आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीट करता रहेगा तो तेरे बहुत सारे डिजीज ट्रीट होते रहेंगे, तेरे पास पेशेंट अपने आप बहुत सारे आते रहेंगे, इससे तेरे को धन निवेशन कीर्ति अपने आप मिलते जाएगा, पैसा भी अपने आप आता जाएगा। ये सब कुछ करते वक्त तेरे में अहंकार नहीं आना चाहिए करने में, ये अगर आ रहा है ऐसा लग रहा है तुझे तो गुरु भक्ति साधना आध्यात्मिकता इसकी जोर उसको देनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर निष्ठा से अपने शास्त्र को चुन रहे तो शास्त्र में तुझे धोखा रहने की नहीं, और हमेशा रखना कि अपना आयुर्वेद शास्त्र ये त्रिकाल वाणी सत्य है और शास्त्र, ठीक है सर। तो ऑन्कोलॉजिस्ट बनाया तब से तो हमें भूल ही गया है। अच्छा वैसे तू भी कहाँ काम करता है, और पता चला है बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया तू, हाँ? तू भी तो तेरा ही बहुत नाम सुना है। अच्छा वैसे तू ये बहुत सारे पेशेंट ठीक कर रहा है, एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? आयुर्वेद? हाँ हाँ सिर्फ आयुर्वेद। तो ये डायबिटीज और कैंसर ये सब भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं आयुर्वेद से? हो जाता है, सही से हो जाता है यार। मैं कितने सारे पेशेंट ऐसे ही बुद्धि का थे, हाँ ऐसे ही ठीक है। अच्छा मेरे पास भी है कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टेज वाले पेशेंट, पर मैंने तो उसमें बहुत छोड़ दिए हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, तेरे पास रिफर कर देता हूँ, संभाल लेना। हाँ भेज दे कोई नहीं, हाँ ठीक है। और बस निकलने की तैयारी? हाँ बस अभी निकल ही रहा हूँ। अच्छा मिलते हैं फिर कल? नहीं यार कल तो मैं दिल्ली के नहीं निकल रहा हूँ। क्यों? वो मेरी आयुष मंत्रालय में एज अ सेक्रेटरी जॉब लगी है इसमें। अच्छा बेस्ट ऑफ लक। हाँ थैंक यू। आयुष मंत्रालय में जाते ही मैंने पहला काम ये किया कि यूजी लेवल पर रिसर्च के सब्जेक्ट को ऐड करवाया। ये जो कहानी है वो मेरी अकेले की नहीं है, ये वो लाखों BAMS के स्टूडेंट की है जो BAMS कोर्स में आ जाते हैं कि जनरल प्रैक्टिस करके पैसा कमा लेंगे फिर आयुर्वेद से प्यार कर लेंगे। आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस ही नहीं है, वो एक वेल ऑब्जर्व शास्त्र है। आज हमें जब दुनिया भी मान रही है तो क्यों ना हम भी आयुर्वेद की सेवा में कोई कसर ना छोड़ें। आयुर्वेद यहीं तक सीमित नहीं है, हम बीमार लोगों का इलाज तो करते ही है लेकिन जो स्वस्थ है उसकी स्वस्थता भी बरकरार रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, यू हैवंट चूज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा हैज चूज यू। तो चलो अब हम साथ में मिलकर धन्वंतरी वंदना करते हैं। धन्वंतरि मादि देवं सुरा